हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कीजिए मेरी यूट्यूब चैनल रसोई का जादू को, बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट और नए वीडियोस जल्द से जल्द पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे किचन रसोई का जादू में। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज मैं पनीर की पकौड़े बनाने जा रही हूँ जो कि बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पकौड़ा बनाना। पकौड़े बनाने के लिए हमने 250 ग्राम पनीर लिया है। देखिए, इसे हमने मीडियम टुकड़ों में काट लिया है। आप इसे बड़े छोटे साइज में काट सकते हैं। अब हम पकौड़े के लिए बेसन का घोल तैयार करेंगे। उसके लिए हमने एक पतीला लिया है, उसमें डालेंगे एक कटोरी बेसन, आधा कटोरी दही, दो बड़े चम्मच सूजी, आधा चम्मच अजवाइन, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर और आधा चम्मच गरम मसाला। अब इसे हम अच्छी तरह से फेंट लेंगे और फेंटने के बाद इसमें हम डालेंगे पानी। पानी को हमें थोड़ा थोड़ा ही डालना है, एक साथ सारा पानी ना डालें। इसे हमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके अच्छी तरह से फेंटना है ताकि इसमें लम्स ना रहे। देखिए, इसमें थोड़ा सा और पानी मैं डालूंगी, ये थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है, और इसे भी मैं अच्छी तरह से फेंट लूँगी। अब इसमें मैं डालूँगी एक चम्मच नमक और इसे अच्छी तरह से मिला लूँगी। देखिए, मिक्स हो गया है। इसी तरह का बैटर हमें चाहिए। अब इसे हम ढक के 10 मिनट के लिए रख देंगे और पनीर के लिए हम मसाला तैयार करेंगे। अब हम लेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर, एक चम्मच चाट मसाला, एक चम्मच कस्तूरी मेथी, आधा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर। इसे हम हाथों से अच्छी तरह से मिला लेंगे। मसाले को हमने अच्छी तरह से मिला लिया है। अब इसे हम पनीर के ऊपर कोट करेंगे। देखिए, एक पनीर लेंगे हम और आराम आराम से इसे हम कोट करेंगे मसाले लगाकर। देखिए, मैंने एक पनीर को कोट कर लिया है। अब दूसरे पनीर को भी मैं कोट करके दिखाती हूँ। देखिए, इसी तरह से हम पनीर के ऊपर कोट कर लेंगे। सारे पनीर को हम कोट करेंगे इसी तरह से। देखिए, मैंने सारे पनीर को कोट कर लिया है, मसाले इस पर लगा दिया है कितने अच्छी तरह से। ये 10 मिनट हो गए हैं। अब हम बैटर को चेक कर लेते हैं। देखिए, बैटर हमारा सेट हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे आधा चम्मच बेकिंग पाउडर और धनिया पत्ता कटा हुआ एक चम्मच, और इसे भी हम फिर से फेंट लेंगे। अब हम चलते हैं गैस की तरफ। देखिए, हमने कढ़ाई में तेल डाल दिया है, तेल हमारा गर्म हो गया है। अब एक पनीर के टुकड़े को हम लेंगे और बैटर के अंदर 2-3 बार डुबो करके अब इसे हम डाल देंगे तेल के अंदर। सारे पनीर को हमने डाल दिया है। अब इसे हम पलट पलट करके अच्छी तरह से हम फ्राई करेंगे। ये पनीर का पकौड़ा बहुत ही अच्छा बनता है, आप एक बार इसे ज़रूर बनाएं, बना करके ट्राई करें, इसे सभी बहुत ही पसंद करेंगे। देखिए, पनीर का पकौड़ा हमारा फ्राई हो गया है। अब इसे हम निकाल लेंगे और बचे हुए पनीर को भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। देखिए, दूसरा पनीर भी हमने डाल दिया है, इसे भी हम पलट पलट करके अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। ये भी पकौड़ा हमारा फ्राई हो गया है, अब इसे भी हम निकाल लेंगे। देखिए, सारे पनीर के पकौड़े हमारे बनके तैयार हैं। आप इसे हरी चटनी के साथ खा सकते हैं। अगर आपको हमारी पनीर के पकौड़े की रेसिपी पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि अगली वीडियो आपको आसानी से मिलती रहे।